ॐ नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने पापहारि जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरु पादपद्मे तयोः शिवा प्रणमामि मुहुर्मुः। आज का विषय है हाउ टू गेट सक्सेस इन एवरीडे लाइफ, सफलता कैसे मिले। यह विषय बहुत ही चर्चित है, कई पुस्तकें इसके बारे में निकल रही है। सभी लोगों को सफलता चाहिए, बड़े हो छोटे हों, एग्जीक्यूटिव हों, ऑफिसर्स हों, मैनेजर्स हों, स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, सभी लोगों को सफलता चाहिए। परंतु सफलता किसे कहते हैं, इसके मापदंड अलग अलग है। एक आध्यात्मिक साधक के लिए जीवन में सफलता का मतलब होता है ईश्वर की प्राप्ति। एक विद्यार्थी के लिए सफलता का मतलब होता है, अभी आजकल जो मतलब होता है विद्यार्थी के लिए तो मतलब होना चाहिए ज्ञान का अर्जन, परंतु अभी एक का मतलब ये हुआ है परीक्षा में कितना नंबर मिला। जिसको जितना परीक्षा में ज्यादा नंबर मिला वो उतना ज्यादा सफल है। चाहे बाद में ये अलग बात है कि परीक्षा के दूसरे दिन उसको पूछो तो कुछ पता नहीं चलता, बोलो तो जो मुझे मैंने जो लिया था वो सब मैंने उल्टी कर दिया परीक्षा के पेपर में, अभी मुझे कुछ याद नहीं, वो अलग बात। पर परीक्षा में कितने नंबर मिले उसके ऊपर से उसकी परीक्षा उसकी सफलता का मापदंड होता है। शिक्षक की सफलता अलग है, उसने कितने लोगों को मेरिट लिस्ट में लाया, आजकल उस प्रकार से बोलते हैं। ये नहीं कि उसने विद्यार्थियों को किस प्रकार से मूल्य चिंतन किया, उसके चरित्र का ज्ञान निर्माण किया, ये नहीं। कितने विद्यार्थी उसके जीवन उसके अंदर में जो काम पढ़ते थे कितने लोग मेरिट लिस्ट में आए। एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को एकमात्र मापदंड है कितना प्रॉफिट किया है, चाहे किसी भी प्रकार से किया हो, किन प्रकार है, कितना प्रॉफिट किया, ब्लैक का किया, व्हाइट का किया, उसका कुछ मतलब नहीं, कितना पैसा कमाया उसके अनुसार उसकी सफलता का मापदंड होता है। बड़ौदा में एक बार आया था लेक्चर के लिए, तो स्टेशन से जब जा रहा था तो प्लेटफॉर्म पे कुछ बात हो रही थी, तो उसने कहा तब राजकोट में आया था, इसने कहा तो मैं तो गांधी जी का फॉलोअर हूँ। गांधी जी के फॉलोअर कैसे हो गए, हमको तो पता है तुम कैसे हो। बोलने की गांधी जी ने कहा था ना कीप एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसलिए मैंने दो चोपड़े रखे हैं, एक ब्लैक का एक व्हाइट का, ब्लैक का बड़ा है व्हाइट का छोटा। अरे गांधी ने कहा था कीप एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, वो इंग्लिश समझते नहीं है, उन्होंने कहा तो सब लिख करके रखो, व्हाइट का समझे दो चोपड़े रखो, गांधी ने कहा था ब्लैक और व्हाइट के, तो ब्लैक का चोपड़ा रखो, सब ब्लैक में सब चल रहा है। तो बिजनेसमैन की एकमात्र सफलता का आजकल मापदंड ये है उसने कितना पैसा कमाया, कितना प्रॉफिट किया, चाहे किसी भी प्रकार से किया, ये अलग अलग मापदंड है। तो सफलता किसे कहते हैं ये हमें पहले जानना पड़ेगा। दो प्रकार की सफलता होती है, एक सफलता होती है शॉर्ट टर्म सक्सेस और दूसरी है लॉन्ग टर्म सक्सेस। शॉर्ट टर्म सक्सेस का मतलब होता है जो सफलता हमें कुछ समय के लिए लाभ पहुंचाएगी, ऐसी शॉर्ट टर्म सक्सेस यदि चाहिए तो हमें शॉर्ट टर्म एफर्ट करना पड़ेगा। और सभी लोगों को सफलता तो चाहिए परंतु जल्दी से जल्दी चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट सक्सेस, और इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिली तो इंस्टेंट डेथ, आत्महत्या करो। ये सभी आत्महत्या करने का भी फैशन निकली है, युवा लोगों में नहीं मिली जल्दी सफलता कई बार बस चलो मत। ये इसका मतलब होता है कि जीवन के प्रति उनका मापदंड, जीवन के मूल्यों के प्रति वो सचेतन नहीं हुए हैं। सच्ची सफलता किसे कहते हैं ये पता नहीं है,
तो सच्ची सफलता तो लॉन्ग टर्म सक्सेस जो सक्सेस दिखती है, जो हमें सुख और शांति देती है, वो सफलता वो रस्ते से आने को बोला सब लोग व्यवहार कुल गठन बहन लोग सुरक्षित आएंगे सब लोग यहाँ पर डिस्टर्ब होता है बीच में बीच वहां से आ जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस जो सफलता हमें लंबे समय तक के लिए सुख और शांति देगी वो है लॉन्ग टर्म सक्सेस। और एक सफलता है जिससे हमें जीवन में परिपूर्णता मिलती है, जो हमें अनंत शांति अनंत सुख अनंत ज्ञान अनंत आनंद दे सकता है, वो सफलता असली सफलता है। ये हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि सच्ची सफलता किसे कहते हैं। ये तो बहुत सारी पुस्तकें निकल रही है उसमें कुछ कुछ अच्छी चीजें दी हुई है, ऐसे नहीं कि नई चीजें दी है, परंतु हम जो सफलता चाहते हैं जीवन में, जो परिपूर्णता चाहते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ ह्यूमन लाइफ, कितने विद्यार्थी आते हैं हमारे पास, उनको पूछते हैं अच्छा जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, नहीं अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य कभी सोचा है, किसी ने नहीं सोचा, कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैंने सोचा। एक या दो विद्यार्थी मुझे मिले होंगे जिन्होंने कहा कि हाँ हमने सोचा है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये मनुष्य जीवन जो मिला है किस लिए मिला है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये किसी ने नहीं सोचा। तो जब तक ये अंतिम लक्ष्य की बात, जीवन की मंजिल क्या है ये हमें पता नहीं लगेगी, तब तक हमें सच्ची सफलता जिसे कहते हैं शाश्वत शांति शाश्वत सुख शाश्वत सफलता, इसके बारे में हमें यह उसी प्रकार की भावना ही हमें नहीं मिलेगी, उसकी विभावना नहीं मिलेगी, उसका अर्थ हमें पता नहीं लगेगा। एलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर महान जब भारत आया तो उसके गुरु ने कहा कि जब भारत जा रहे हो तो मेरे लिए एक अच्छा उपहार लाना। तो क्या उपहार लाओ, तो बाकी सब जगह तो सभी चीजें मिलती हैं पर भारत में जिस प्रकार के संत मिलते हैं ऐसे संत और किसी देश में नहीं है, तो वहां से एक संत हमारे देश के लिए ले आना। तो सिकंदर आया भारतवर्ष, बहुत खोजबीन किया, एक बार उसने जंगल में से जा रहा था, देखा एक संत बैठे नदी के किनारे एक वृक्ष के पास एक चट्टान पर और ध्यान लगाए बैठे हैं एकदम दिगंबर अवस्था में, परंतु बहुत ही तेजस्वी चेहरा, बहुत प्रभावित हुआ। थोड़ी देर बाद जब संत महात्मा का ध्यान टूटा तो सिकंदर ने कहा कि मैं कुछ बातें उसने पूछी ज्ञान की, तो बहुत ज्ञान की बहुत सुंदर बातें उन्होंने बताई, तो बहुत प्रभावित हो गया। उसने कहा चलिए आप मेरे देश चलिए, आपके लिए बहुत बढ़िया महल बना दूंगा, अच्छा अच्छे खाने का प्रबंध करूंगा, अच्छे अच्छे कपड़े आपको दूंगा, बहुत बढ़िया महल बनाऊंगा, चलिए। महात्मा ने हंसते हुए कहा राजन मुझे तेरे महल में जाने की आवश्यकता नहीं, तेरे महल की आवश्यकता नहीं, तेरे देश में जाने की आवश्यकता नहीं, मैं यहां बड़े आनंद में हूं, मुझे कपड़े की आवश्यकता नहीं, आकाश मेरा वस्त्र है, मुझे अच्छे खाने की आवश्यकता नहीं, ये वृक्ष मुझे मीठा फल देते हैं, ये नदी मुझे अच्छा पानी देती है, बस उसी से मेरा गुजारा चलता है, और ये वृक्ष के नीचे मैं रह रहा हूं, मुझे कोई महल की आवश्यकता नहीं, मैं बड़े आनंद में यहां पर हूं, मुझे और कहीं नहीं जाना। नहीं नहीं आपको मेरे साथ जाना होगा, मैंने अपने गुरु को कहा था अच्छे महात्मा को लाऊंगा, अच्छे संत को भारत देश से लाऊंगा, मैं आपके आपसे बहुत प्रभावित हुआ हूं, चलिए। नहीं मैं नहीं आऊंगा, नहीं आपको जाना पड़ेगा, नहीं जाऊंगा। सिकंदर ने आज तक इसी से उसके सामने कोई ना कह दे ये सुना नहीं था,
एकदम क्रोधित हो गया, तुरंत म्यान से तलवार निकाली, यदि तुम नहीं चलोगे मेरे साथ अभी तुम्हारा सिर काट कर गलत कर दूंगा। जैसे उसने कहा, सिकंदर ने त्याग तलवार निकाली, महात्मा जोर से हंसने लग गए, हंसते हुए मूर्ख, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात तुमने पहले नहीं कही थी, तू जानता नहीं तेरी तलवार मुझे काट नहीं सकती, तू जानता नहीं अग्नि मुझे जला नहीं सकती, तू जानता नहीं वायु मुझे सुखा नहीं सकता, तू जानता नहीं पानी मुझे भिगा नहीं सकता, तू जानता नहीं मैं अजर अमर वही आत्मा हूं जिसे कोई तलवार काट नहीं सकती, मैं वही चिदानंद स्वरूप वही आत्मा। आज तक सिकंदर ने किसी व्यक्ति को उसी नंगी तलवार के सामने खड़ा होकर ही देखा था, पर यह निर्भीक महात्मा खड़ा है और जोर जोर से हंस रहा है, उल्टा हो गया, सिकंदर डर गया, सिकंदर के हाथ से तलवार गिर गई, और फिर उस महात्मा ने कहा, मूर्ख तू मुझे अपने देश ले जाना चाहता है, मैं अपने त्रिनेत्र के द्वारा देख रहा हूं तू खुद अपने देश तक पहुंचने वाला नहीं है। और सचमुच में इतिहास कहता है सिकंदर अपने देश नहीं पहुंच पाया, रास्ते में उसकी मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई आज तक कोई जानता नहीं, किसी ने कहा कि उसकी खुराक में जहर दिला दिया गया उसको मार डाला गया, कोई बोलता है उसने आत्महत्या की, कोई बोलता है उसे किसी ने डस लिया, सांप ने डस लिया, कि कुछ पता नहीं, पर मर गया ये बात निश्चित। सिकंदर को पता था मैं मरने वाला हूं, तब उसने कहा देखो अब मैं तो मरने वाला हूं, मेरा एक ही अनुरोध है, जब मुझे कब्र में डालोगे तो मेरे दोनों हाथ ऐसे ऊपर रखना ताकि संसार को पता लगे कि सिकंदर ने सारे विश्व पर तो विजय प्राप्त कर लिया पर अपने आप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए खाली हाथ वापस जा रहा है, कुछ अपने साथ नहीं ले जा रहा। और उस महात्मा ने अपने आप पर विजय प्राप्त की थी, उसने सारे विश्व को जीत लिया, मैं कुछ भी नहीं जीत पाया, आज खाली हाथ में जा रहा हूं, समस्त विश्व को यह संदेश मिले। यह जीवन की सफलता है, हम क्या लेकर के जाएंगे, किस उद्देश्य से आए थे, आया था इस राम सेतु सोया चादर तान कर, समय हुआ अब जाग जा फिर अपना आप पहचान रहे, यह अपने आप पहचान का हमारे भीतर में दिव्य आत्मा है, उस आत्मा का यदि साक्षात्कार नहीं किया, मृत्यु आने के पहले यदि अमृत तो प्राप्त नहीं किया, मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं की, मृत्यु आने के पहले यदि हमने आत्म साक्षात्कार नहीं किया, मुक्ति प्राप्त नहीं की, मोक्ष प्राप्त नहीं किया, निर्वाण प्राप्त नहीं किया, उसे जो भी नाम दे ईश्वर प्राप्ति नहीं की, तो हमारा सारा जीवन श्री रामकृष्ण कहते हैं जिसने मनुष्य जन्म लिया और ईश्वर प्राप्ति नहीं की, तो उसकी सारी सफलता का पूरा जोड़ किया जाए तो शून्य है, जीरो, एक नंबर भी उसे नहीं मिलेगा, केवल जीरो मिलेगा, केवल जीरो, शून्य। ये सारा अचीवमेंट, कितना भी अचीवमेंट, गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल साथ में नहीं जाएगा, व्यापार में करोड़पति, एकदम बिल गेट्स को भी हरा लिया और सारे विश्व में सबसे अधिक बड़े आप व्यापारी हो गए, सबसे बड़े धनवान हो गए, धन नहीं जाएगा, बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, अच्छे अच्छे डिजाइन की कपड़े नहीं जाएंगे, लेटेस्ट मॉडल की कार लाए नहीं जाएगी, जिस मकान को बनाने के लिए 25 साल लगे और मकान बनाते 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 7 मंजिला का मकान बनाया और 7 प्रकार के रोग लागू हो गए उसके बीच में, और ऐसे रोग लागू हो गए कि फिर डॉक्टर ने कहा ग्राउंड फ्लोर में रहना भाई, ऊपर ले जाने की बात नहीं, और जिस गाड़ी को लाने के लिए कितना कमाया और गाड़ी लिए, डॉक्टर ने बोला गाड़ी में आप नहीं जा सकते, हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको कोई सब कर नहीं सकते, और जिस आनंद को मनाने के लिए इतना कमाया, डॉक्टर ने कह दिया भाई अभी खाना पीना बंद, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, खाने पीने में टेबलेट मिलेगा, इंजेक्शन मिलेगा, ट्रैंकलाइजर मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा खाने,
सफलता, बहुत सफलता मिली, बहुत पैसा कमाया। हम तो यही समझते ना, जिसने जितना पैसा कमाया उतना वह सफल है, बहुत पैसा कमाया। पर स्वास्थ्य खो दिया, मन की शांति खो दी, परिवार छिन्न भिन्न हो गया, और ये तो सब दैनिक जीवन में हुआ। और बाद में जाते समय खाली हाथ सिकंदर के समान गए, सारे विश्व पर विजय प्राप्त की, सारे विश्व का पैसा मिला, सारे विश्व की धन दौलत मिली, नोबेल प्राइज भी मान लो प्राप्त कर लिया, गोल्ड मेडल से हो गया, सब कुछ हो गया। पर वो नोबेल प्राइज यही रहेगा, गोल्ड मेडल भी यही रहेगा, जितना पैसा कमाया वो भी यही रहेगा, धन दौलत यही रहेगी, फिक्स डिपॉजिट यही रहेगी, जितने भी जूते खरीदे लेटेस्ट मॉडल के, लेटेस्ट डिजाइन के, सब जूते, सब कपड़े, सब मोटर, सब बंगले, सब कुछ यहाँ रहेगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। यहाँ तक कि जिस शरीर को सजाने के लेटेस्ट ब्यूटी पार्लर में गए, उस ब्यूटी पार्लर वाले शरीर को भी एकदम खत्म कर करके, जला करके, भस्म करके 1.5 पाव रात बना देंगे। विद इन 12 आवर्स, मैक्सिमम 24 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा रखेंगे। कितना भी ब्यूटीफुल बॉडी होगा, कितना भी ब्यूटी पार्लर में गया होगा बॉडी, कितना भी जिम्नेशियम में गया होगा, बहुत सारा व्यायाम किया होगा, बॉडी बिल्डर के पास गया होगा, जो भी जिम्नेशियम जाके अच्छा से अच्छा शरीर, सुंदर से सुंदर शरीर, पर उसको जलाया जाएगा तो उसकी भी 1.5 पाव राख, 0.5 किलो, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत बॉडी बिल्डर हुए तो 0.25 किलो राख, ये राख थोड़ी सी ज्यादा होगी, नहीं थोड़ी सी राख ज्यादा होगी, और कोई अचीवमेंट नहीं। एवरीथिंग इज सुरो, श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि जितना हम लोग करते हैं सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, सब शून्य है। ईश्वर को निकाल दो, सब शून्य है, शून्य 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 और कुछ नहीं है, श्री रामकृष्ण ने कह दिया। इस दुनिया में जो कुछ भी अचीवमेंट है सब आखिरी में उसका अर्थ है 0 और कुछ नहीं। पर हाँ, और वो जो 0 है, वो सब जितने भी 0 हैं, 10 0 लगाओ, उसके बाद में 1 लगाओ, वो 0 का कोई मूल्य नहीं है। वो जितने 0 है उसके पहले 1 लगा दो, बस उसके बाद उस 0 की वैल्यू है। पहले 1 लगाओ, ईश्वर को साथ में रखो, ईश्वर के समर्पित बुद्धि से काम करो, सब कार्य को पूजा में परिणत करो, जीवन का लक्ष्य रखो ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर को यदि साथ में रखोगे वो है 1 नंबर, उसके बाद जितना 0 लगाओ, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, बढ़ता जाएगा, उस सबका वैल्यू हो जाएगा। पर भगवान को जीवन में से निकाल दो, ईश्वर को निकाल दो, आध्यात्मिकता को निकाल दो, शून्य। यह श्री रामकृष्ण का कहना है, वेदांत का कहना है कि जितना भी हम लोग सोचते हैं हम सफलता के बारे में, ये सब सफलता का मूल्य केवल 0 है, वेदांत कहता है। और जिसको हम पाना चाहते हैं शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, वह हमारे भीतर में ही है। इसकी बात हमने कही थी, मोको कहां के ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे कभी मिलूंगा, पल भर की तलाश में। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर में है, वेदांत यही कहता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस आत्मा का साक्षात्कार। भीतर में हमारे जो दिव्य आत्मा विराजमान है, जो दिव्यता विराजमान है, उसका प्रकटीकरण करना ही जीवन का लक्ष्य है, और इसी में जीवन का साफल्य है। फिर उसमें 4 योग है, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। ये 4 योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग, 4 में से कोई 1, 2, 3 अथवा 4 योगों के समन्वय से उस दिव्यता का प्रकटीकरण करना, यही जीवन का लक्ष्य है, और इसी में जीवन का साफल्य है। ये है शाश्वत सफलता। हम साथ में लेकर के क्या गए, इसीलिए कबीर कहता है, जब तू आया जगत में, जग हसे तू होए, ऐसी कर भी कर चलो, मरते समय तुम हंसो जग रोए। ये है जीवन की सफलता। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो रोता है, वहां वहां रोता है, और बाकी सब हंसते हैं, ताली बजाते हैं, हाँ बच्चा पैदा हो, सब हंसते हैं, एक केवल छोटा बच्चा बेचारा रोता रहता है और बाकी सब ताली बजाते हैं। और यदि बच्चा नहीं रोता तो बाकी सब रोते हैं, अरे कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को बुलाओ। फिर इंजेक्शन दिया, डॉक्टर ने रोना शुरू किया, अब सब लोग हंसते हैं, ताली बजाते हैं, हाँ अब ठीक है, उसके हेल्थ ठीक हो। तो
जब तू आया जगत में, जग हंसे तू रोए, सारा जगत हंस रहा था, तू केवल अकेला रो रहा था। अब ऐसी करनी कर चलो, मरते समय तुम हंसो, मरते समय तुम्हें कोई गम न रहे। हाँ, मैंने जिंदगी में कोई बुरा कार्य नहीं किया, मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, ईश्वर का नाम लिया, ईश्वर का काम किया, अब ईश्वर के परम आनंद धाम में मैं जा रहा हूं, कितना आनंद है। हंसते हुए चले जाओ और बाकी सब लोग को रोने दो, वो लोग रोएंगे, अरे कितने अच्छे आदमी थे, चले गए, उनको रोने दो, लेट देम बी। बट यू गो डायरेक्टली टू गॉड, परम आनंद के धाम में चले जाओ। और परम आनंद के धाम में जाने के समय क्या आनंद होगा, जो कुछ भी हम कार्य करते हैं अपने जीवन में, ये सब हम लोग सोचते हैं कि किसी को नहीं मालूम है, हमने चोरी छुप करके किया था। हाँ, ये हो सकता है कोई भी कर किसी ने कार्य बुरा किया हो, द लॉ फॉर माई सुप्रीम, कर्म का सिद्धांत है, उसका फल मिलेगा। यही तो है, सारे जीवन में हम किसी को डिसीव कर सकते हैं। हाँ, होता भी है, कई लोग ऐसे ब्लैक मार्केटिंग करते हैं पर पकड़ में नहीं आते, छोटे छोटे लोग इनकम टैक्स वाले आकर के पकड़ जाते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर को भी खिलाया। अब उसको सीबीआई ऑफिसर ने पकड़ा तो सीबीआई से बड़े ऑफिसर को खिलाया, तो सीबीआई ऑफिसर खुद भी भ्रष्टाचार में गए, उसके किसी और को लगाया गया विजिलेंस ऑफिसर, वो भी खा रहा है, इसको पकड़ोगे, ऐसा सबको खिलाया, बाद में कोर्ट में गया केस, तो फिर जज को खिलाया, हाईकोर्ट के जज को खिलाया, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी खिला सकते हैं आजकल, तो सबको खिला करके आप निकल गए। आप बोलेंगे मैं कितना बुद्धिमान, पकड़ में नहीं आया, इतने करोड़ रुपए लगाए, परंतु हम भूल जाते हैं भीतर में वीडियो फिल्म चल रही है, भीतर में वीडियो फिल्म है, कलर वीडियो फिल्म चल रही है, वो सब प्रिंट कर रही है, मरते समय पूरा रिप्ले होगा, सारी जिंदगी में जो काम किया और जैसा कर्म किया उसके अनुसार हमें मृत्यु के बाद जाना पड़ेगा, महादुख में जाना पड़ेगा, ऐसा वेदांत कहता है। और ये जो पुनर्जन्म होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य योनि ही मिलेगी, मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है, और ये सर्वश्रेष्ठ योनि प्राप्त करना एक सरल बात नहीं है, इसीलिए आदि शंकराचार्य ने कहा विवेक चूड़ामणि में, दुर्लभम एवं एतत्त्रयम् मनुष्य देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम् मुमुक्षुत्वम् महापुरुष संशय, तीन बातें इस जीवन में बहुत ही दुर्लभ है, और वो देवानुग्रह हेतुकम् ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। क्या क्या? मनुष्यत्व मनुष्य जन्म, मुमुक्षुत्वम् मुमुक्षुत्व मतलब मुक्ति पाने की इच्छा, और तीसरा महापुरुष संचय सत्संग, ये तीन बातें ईश्वर की कृपा से मिलती है। ये मनुष्य जन्म ऐसा नहीं चलेगा, जैसा कर्म ऐसा फल होगा, और फल के और उसी प्रकार से हमें योनि मिलेगी। यदि किसी ने सारे जीवन में किसी को लात मारने का ही काम किया होगा तो उसे गधा ही बनना पड़ेगा, क्योंकि उसको उसी की आदत पड़ गई, करेगा क्या, वही बनना है, और शायद पूर्वजन में था उसी की आदत है, तो फिर से वही जाएगा जहां से आया था। किसी को दंश देने की आदत होती है, बाहर से कुछ नहीं बोलते, एकदम धीरे से ईर्ष्या करके दंश दे देती, सांप तो सांप के समान बनेंगे, कोई बाघ बाघ के समान गुर्राता रहता है, हम से झगड़ता करता है तो वो बाघ बनेगा, जो बाघ से आए तो वहां बने, तो जैसी जिस योनि से आया था, जिस योनि के जो कर्म है उसके अनुसार कर्म के अनुसार फल मिलते हैं। तो ये वीडियो फिल्म ये मृत्यु के समय चलेगी, उस समय यदि हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हम आनंद के साथ जाएंगे। तो कबीर कहते हैं, जब तू आया जगत में, जब हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, मरते समय तुम हंसो जग रोए। यह जीवन की परिपूर्णता है, और इसीलिए यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो अभी मॉडर्न साइंटिस्ट के यदि हम माने तो रोल ऑफ भी अब ये कहते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट लोग भी अब मानने लगे हैं कि नहीं, अभी तक ये कहते थे कि नहीं, मनुष्य जन्म का उद्देश्य केवल जो इतर प्राणी है उसके समान स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल अगेंस्ट दी ऑड सर्कमस्टेंसेस। जो डार्विन की थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी यही कहती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट,
ये जो फीटस लोग हैं वही सर्वाइव करते हैं एंड स्ट्रगल अगेंस्ट दी ऑड सर्कमस्टेंसेस। तो ये मनुष्य योनि का भी यही कर्तव्य है। पर अब जूलियन हक्सले ये इस प्रकार के कुछ जो साइकोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट है उन्होंने कहा नहीं, मनुष्य योनि में जो इवोल्यूशन है दैट इज अ साइको सोशल इवोल्यूशन, अभी तक स्पिरिचुअल में नहीं आया था। अब मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो अभी तक कहते थे सेल्फ ट्रांसेंडेंस इज द गोल ऑफ लाइफ, अब उन्होंने कहा नहीं, नॉट ओनली सेल्फ ट्रांसेंडेंस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज नॉट ओनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते थे कि केवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारी जितनी कैपेसिटी है उसे एक्चुअलाइजेशन कर लो, नहीं, नॉट ओनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ ट्रांसेंडेंस, हमें उसके भी पार जाना है। जो बात वेदांत कहता था आज उस बात को मॉडर्न साइकोलॉजी मॉडर्न बायोलॉजिस्ट मॉडर्न साइंस स्वीकार करता है। लिंकन बार्नेट की पुस्तक है द यूनिवर्स एंड डॉक्टर आइंस्टीन, उसमें बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैन हैज अ यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ एंड परसेविंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन। मनुष्य के पास यह विशेषता है कि वो अपने आप से बाहर जा सके, बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड पोजिशन, समय काल और कारण से परे जा सके, ऐसी योग्यता केवल मनुष्योनि में। मैन हैज अ यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ एंड परसेंडिंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन। इसे नील्स बोर कहते हैं, मैन इज एन एक्टर एंड स्पेक्टेटर इन दिस ग्रेट ड्रामा ऑफ लाइफ साइमल्टेनियसली। मैन ओनली कैन बी ए ग्रेट एक्टर एंड स्पेक्टेटर इन दिस ग्रेट ड्रामा ऑफ लाइफ साइमल्टेनियसली, दोनों का एक साथ, स्पेक्टेटर देखने वाला दर्शक, एक्टर कार्य करने वाला। हम देखते क्या है, एक्टिंग तो ये लोग भी करते हैं, गाय भैंस ये लोग भी एक्टिंग करते हैं, मतलब कुछ भी काम करते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि मैं क्या काम कर रहा हूं, क्या काम कर रही हूं। मनुष्य कार्य भी करता है और जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, या तो दर्शक हो सकते हैं वो लोग या एक्टर हो सकते हैं, दोनों साथ में होना असंभव। राम लीला चल रही है, राव रावण का युद्ध चल रहा है, जब राम रावण पर अटैक करते हैं या रावण राम पर अटैक करता है तो उसको मालूम है ये राम है, मैं रावण, ये मेरा शत्रु है और मुझे बताना है सब ड्रामा लोगों को कि इसको उसके ऊपर मैं अभी क्रोधित कर रहा हूं, मैं ड्रामा कर रहा हूं, और वो ड्रामा भी कर रहा है, साथ साथ में जानता है कि ये ड्रामा मैं कर रहा हूं और ये तो मेरा मित्र है विजय, और बाद में जैसे ये दिन खत्म होगा वहां ग्रीन रूम में हम लोग साथ में बैठ करके चाय पीने वाले, ये भी वो भूलता नहीं और इसे बहुत जोर से नहीं मारता। तो ये दोनों चीजें, एक्टर्स एंड स्पेक्टेटर्स इन दिस ग्रेट ड्रामा ऑफ लाइफ साइमल्टेनियसली, यह कैपेसिटी केवल मनुष्य योनि के पास, और इसीलिए कहा गया कि ये सेल्फ ट्रांसेंडेंस यही गोल है। इसलिए आइंस्टाइन ने कहा द ट्रू वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिटरमाइंड प्राइमरली बाय द मेजर एंड द सेंस इन विच ही हैज अटेन्ड लिबरेशन फ्रॉम द सेल्फ, अपनी आत्माओं को कितनी मात्रा में उसने मुक्त किया उतने प्रमाण में उसने सफलता प्राप्त की, डॉक्टर आइंस्टाइन कहते हैं। और इसीलिए यार मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट मॉडर्न बायोलॉजिस्ट मॉडर्न साइंटिस्ट ये सभी लोग इस बात पर अभी आ रहे हैं कि नहीं, जो वेदांत की बात थी वो ठीक है, हमें इस परे जाना है, बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड पोजिशन। द माइंड ऑफ गॉड नाम की पुस्तक लिखी है पॉल डेविस, हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हमारे जमाने के, अभी ब्रिटेन में रहते हैं लंदन में, अभी लेटेस्ट किताब है उनकी द माइंड ऑफ गॉड, ऐसे मनुष्य का भगवान का मन जानने का बहुत प्रयत्न किया साइंटिफिक मेथड से, लास्ट में कहा इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द माइंड ऑफ गॉड बाय ऑब्जेक्टिव मेथड, साइंटिफिक मेथड से ऑब्जेक्टिव मेथड से भगवान के मन को जानना भगवान को जानना असंभव है। जो बात श्री रामकृष्ण ने कही थी, अरे एक शेर के लोटे में चार शेर दूध कहां से आएगा, यही बात मॉडर्न साइंस कहती है इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द माइंड ऑफ गॉड बाय ऑब्जेक्टिव मेथड। Perhaps the mystical process is the only process whereby we can know the mind of God. ध्यान के क्षणों में ही शायद लगता है कि भगवान का मन जाना जा सकता है, मॉडर्न साइंस कहते हैं। इसलिए परे जाना होगा, द सुप्रीम रियलिटी इज बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन, ये सब कुछ
ये हमारे समय काल कार के कारण की परे जो रियलिटी है उसको प्राप्त करना है। इसी में जीवन की सच्ची सफलता और फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ है, इसी में जीवन की सफलता है, इसी में जीवन का परिपूर्णता है, जीवन की परिपूर्णता है, फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ, सच्ची सफलता, एवर लास्टिंग सफलता, एवर लास्टिंग सक्सेस, ये इसी से मिलेगा और इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। टेल हर्डी सार्डे नाम के बहुत बड़े बॉटनिस्ट हो गए, वो क्रिश्चियन फादर थे, बहुत उन्होंने किताबें लिखी और उनकी किताबें थी वो बाइबल के विरुद्ध में जाती थी, इसलिए उनकी किताबों को छापने नहीं परमिशन नहीं दी गई, पर उनकी किताबें छपी उनके मरने के बाद पोस्ट ह्यूमसली देवर प्रिंटेड। उसमें से एक बहुत अच्छी किताब नाम है द फिनोमेना ऑफ मैन, और उसने गैलरी शायरे उन्होंने कहा, उन्होंने ये प्रश्न उठाया, What is the difference between a man and animal? एक मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो किसी ने कहा इंटेलिजेंस, मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान है, पशु बुद्धिमान नहीं है। तुरंत उन्होंने कहा नॉट नेसेसरली सो, ऐसा आवश्यक नहीं। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, एक बिल्ली है, वो क्या करती है, आपके घर में आपने रसोई घर में दूध रखा था, रात को चुरा करके ले गई बिल्ली, कभी कभी आती यहां भी आती हमारे आश्रम में आती, तो बिल्ली चुरा करके ले गई, दूध चुरा के ले गई, तो आपने क्या किया, आपने इंटेलिजेंटली प्लान किया और दूध को दूसरे किसी जगह किचन में नहीं रखा, अलग जगह पर रखा, छुपा करके रखा, दूसरे दिन सुबह देखा बिल्ली वहां से भी दूध चुरा के ले गई, तो कौन ज्यादा इंटेलिजेंट, तो बिल्ली में भी इंटेलिजेंट है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड एनिमल, मनुष्य पशु में अंतर क्या है? और उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, जनरली शार्डे को बोलते हैं डिफरेंस इज दिस, व्हाइल अ मैन नोज व्हाट ही नोज एन एनिमल डज नॉट नो व्हाट इट नोज, मनुष्य जानता है कि वो क्या जानता है, पशु ये नहीं जानता कि मैं क्या जानता, बिल्ली ये तो जानती है दूध कैसे चोरी करना, उसका इंटेलिजेंस उसके पास है, पर ये दूध चोरी करना अच्छा है या बुरा, और ये दूध चोरी का ज्ञान मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस प्रकार की विवेक बुद्धि उसमें नहीं है। मनुष्य जानता है कि दूध कैसे चोरी करना, मनुष्य ये भी जानता है दूध चोरी करना अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे दूध नहीं चोरी करनी चाहिए और दूध चोरी करने का ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, इस प्रकार की विवेक बुद्धि केवल मनुष्य योनि में है और किसी योनि के पास नहीं है। और इसलिए जिस मनुष्य में जितनी मात्रा में विवेक बुद्धि है, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिस मनुष्य में जितनी मात्रा में विवेक बुद्धि है उतनी मात्रा में वह मनुष्य महान है, और जिसने ये विवेक बुद्धि सबसे अधिक है उसका नाम है विवेकानंद, इसलिए हम विवेकानंद की पूजा करते हैं। उन्होंने और उन्हें विवेक कैसे आया, उन्होंने माँ के पास मांगा, रामकृष्ण ने कहा था जा जा माँ के पास मांग ले, जो धन दौलत जो मांगना है मांग ले, और मांग नहीं सके, पिताजी की मृत्यु हो गई थी, घर में खाने को नहीं था, भाई बहन तड़प रहे थे, फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी माँ के जब दर्शन में माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और इसलिए योगी उन्होंने विवेक मांगा था, विवेकानंद बने, आज सब जगह पूजे जा रहे हैं, पैसा मांगते बहुत बड़े धनवान बनते या प्रतिष्ठा मिलती बहुत बड़े वकील बनते, लंदन भी जाने वाले थे, आईएएस की परीक्षा भी देने वाले थे, उसके लिए सब कुछ तय हो गया था, लड़की भी तय हो गई थी, और ससुराल वालों ने भी कहा था कि उनको लंदन भेज देंगे और पूरा पैसा देंगे, आईएएस ऑफिसर का पूरा पैसा भी दे देंगे, पिताजी तैयार भी हो गए थे। और इधर रामकृष्ण को जब पता पड़ा, मातरी माँ घूरिए दे, माँ घूरिए दे, माँ सब पलट दे, अरे सारे विश्व का कल्याण करने के नर रूपी राजऋषि आया और ये संसार बंधन में फंसेगा, लोक कल्याण कैसे होगा, ऐसा चक्कर चला, पिताजी की मृत्यु हो गई, पिताजी ने कहा था कैसे भी करके मैं ये करके जाऊंगा, हार्ट का प्रॉब्लम तो था ही, और पहले ही धीरे हार्ट अटैक आया, खत्म हो गए, नहीं हो पाया वो रिश्ता, विवेकानंद मिलने वाले थे, मैं विवेकानंद विश्व को मिलने वाला था, श्री रामकृष्ण तो लाए थे, सप्तर्षि मंडल में भी उसको लाए थे, ये करना, परंतु विवेकानंद जी ने विवेक मांगा तो विवेकानंद बने। ये विवेक बुद्धि जितने अधिक मात्रा में होगी, यह विवेक बुद्धि ये प्राप्त करना, आज मॉडर्न साइंटिस्ट इसको इस बात को स्वीकार करते, इसके पहले मैंने कहा था दाना सोहा की पुस्तक है,
पुस्तक का नाम है SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। और उस पुस्तक में जाना जुआ लिखती है, शी इज अ प्रोफेसर इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मैं भी पिछले वर्ष गया लंदन, तो मैंने फोन किया पर उसके हस्बैंड थे, वाइफ वो खुद को चली गई थी अमेरिका, तो बात नहीं हो पाई, तो और डिस्कस करना था। उसने उसने कहा, दाना जोहा ने लिखा है, न्यूरोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली बायोलॉजिकली साइकोलॉजिकली फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ कंक्लूडिंग एविडेंस देयर इज समथिंग कॉल्ड SQ व्हिच इज द बेसिस ऑफ बोथ IQ एंड EQ। सभी प्रकार से वैज्ञानिकों ने देखा है कि SQ नाम की चीज है और IQ और EQ दोनों का आधार स्तंभ है यह SQ। And what is IQ? IQ क्या है? IQ will tell you how to play the game of life. Intelligence quotient IQ हमें सिखाएगा हमें जीवन का खेल कैसे खेलना चाहिए। What is EQ? Emotional quotient. Emotional quotient EQ हमें सिखाएगा how to play the game of life under changed circumstances with changed strategies. हमारे जीवन की परिस्थिति जब बदल जाए तब उसके अनुसार अपनी मनस्थिति को बदल करके कैसे जीवन के खेल को खेलना, ये हमें EQ सिखाएगी। एंड व्हाट इज SQ? SQ विल टेल यू वेदर टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ एट ऑल और नॉट, दैट इज योर चॉइस। जीवन का खेल खेलना चाहिए या नहीं, क्यों हम ये जीवन का खेल खेल रहे हैं, क्यों हम पृथ्वी पर आए हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का अर्थ क्या है, हमें कहां जाना है, कहां से आए हैं, कहां जाना है, मंजिल क्या है, ये सब SQ सिखाएगा। हमारे जीवन में सफलता के लिए IQ, EQ और SQ सभी चीजों की आवश्यकता है। और एक बार SQ आ गया तो IQ, EQ अपने आप आ जाएंगे, पर SQ हमारे जीवन में यह सबसे अधिक आवश्यकता है। और दूसरी डिस्कवरी है मॉडर्न साइंस की, दाना जो कहती है IQ इज अवेलेबल विथ ऑल द स्पीसीज इंक्लूडिंग द कॉम्प्यूटर्स। सभी योनियों के पास IQ है, कंप्यूटर के पास भी IQ है, कभी कभी हमारे ज्यादा इंटेलिजेंट रहता है कंप्यूटर। EQ इज अवेलेबल ओनली विद द EQ इज अवेलेबल ओनली विद द फ्यू स्पीसीज। EQ इंटेलिजेंस जो इमोशनल इंटेलिजेंस केवल कुछ योनियों के पास है, सब योनियों के पास नहीं है। SQ इज अवेलेबल ओनली विद द ह्यूमन बीइंग, केवल मनुष्य होने के पास ही स्पिरिचुअल पोर्शन है आध्यात्मिक ज्ञान। कौन कहता है? मॉडर्न साइंस। हमारा भारतीय दर्शन क्या कहता है? 84 लाख योनियों में से मात्र मनुष्य योनि में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और मॉडर्न साइंस कहता है नहीं नहीं 1 करोड़ 24 लाख योनियां है, बढ़ गई होगी शायद, क्लोनिंग वगैरह हो रहे हैं, तो 1 करोड़ 24 लाख योनियां है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मॉडर्न साइंस कहता है 1 करोड़ 24 लाख योनियां है, वो 1 करोड़ 24 लाख योनियों में से मात्र मनुष्य योनि में ही SQ स्पिरिचुअल पोर्शन प्राप्त हो सकता है। दोनों एक साथ यही बात बोल, स्पिरिचुअल पोर्शन SQ डेवलप करना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, विवेक बुद्धि को बढ़ाना, विवेक बुद्धि को प्राप्त करना, इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है, मनुष्य जीवन का साफल्य है। यह है सच्ची सफलता, यह है शाश्वत सफलता, यह है परमानेंट सक्सेस, इटर्नल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। इसी के लिए हमारे मनुष्य जन्म के लिए हम लोगों ने मनुष्य जन्म जन्म लिया है। यदि ये सफलता में नहीं मिली तो बाकी सभी सफलता का अर्थ होता है 0 लेवल, सुनने के अलावा कुछ नहीं। पर ये ईश्वर को साथ में रख करके बाद में दैनिक जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं, पर अभी उसका समय नहीं है। तो दैनिक जीवन में जो सफलता प्राप्त करने के लिए, ऐसे तो बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई है दैनिक जीवन में सफलता, ये तो मैंने की शाश्वत सफलता, शॉर्ट टर्म सक्सेस 21 दिन में सफलता, इंस्टेंट सक्सेस, ये सब की बहुत सारी किताबें हैं, पर ये सब इंस्टेंटली आती है, इंस्टेंटली चली भी जाती है, उसमें नहीं जाना चाहिए। पर लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए लॉन्ग टर्म एफर्ट करना पड़ेगा। यदि हमें यदि ऐसी सफलता चाहिए जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा टिके, तो उसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे मान लो परीक्षा में अच्छे नंबर मिल प्राप्त करना हो, तो उसके लिए 2 तरीके हैं, एक सारा साल पढ़ो, टीवी कम देखो, बहुत कठोर परिश्रम करो और परीक्षा में अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और एक शॉर्टकट ये है कि सारा साल भर
आनंद करो, मजा करो, टीवी देखो, जो करना हम करो, और बाद में परीक्षा में जाकर से मैं थोड़ी चीट ले जाओ, कॉपी करो। तो परीक्षा में मान लो पकड़ में नहीं आए, आए तो गए, नहीं आए तो भी वो सफलता कहां टिकने वाली, इंटरव्यू में तो फेल हो जाओगे, इंटरव्यू पास हो गए तो नौकरी में जब करोगे तब भी पकड़ में आ जाओगे, कहीं ना कहीं तो पकड़ में आओगे जब तक ये ठीक से नहीं किया होगा कर्म का सिद्धांत के अनुसार। तो ये लॉन्ग टर्म सक्सेस, इसके लिए कठोर परिश्रम करने पड़ते हैं। तो बहुत सारी किताबें उसके लिए आई है, जैसे एक किताब है सेवन लॉज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस, तो दीपक चोपड़ा की किताब है लॉ सेवन लॉज, द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, द लॉ ऑफ गिविंग, द लॉ ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, द लॉ ऑफ इंटेंशन, द लॉ ऑफ डिटेचमेंट, द लॉ ऑफ धर्मा। स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ने से ये सब मिल जाएगा, इसमें केवल नाम दिए हैं पर उसके कारण इसकी लाखों प्रतियां बिक गई, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा उसने कुछ सेंटेंस ऐसे हैं स्वामी विवेकानंद की किताबों को एकदम कॉपी किया है। कोई बात नहीं, जो भी हो, किसी प्रकार से अपने नाम से भले पैसा कमाता हो, करोड़पति करोड़ अब्जपति बन गया भी हो, कोई बात नहीं, फिर भी ये अच्छे विचारों को सब लोग पागल है वहां पर दीपक सर, चलो अच्छा है, उस बाने भी अच्छे विचार पर जाते हैं। और सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कोवी की पुस्तक में भी उसमें से कुछ कॉमन है, क्या है, बी प्रोएक्टिव, प्रतिक्रियात्मक मत बनो, बिगिन विद द एंड माइंड, लक्ष्य को याद रखो, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है याद रखो, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ, जीवन में क्या जरूरी है ये पहले जरूरी चीजों को करो, ये चीज जो वेदांत की बातों को अलग प्रकार से बताए। थिंक विन विन, लोग तीन प्रकार के, थिंक विन विन का मतलब होता है मैं भी जीतू तुम भी जीतू, कुछ लोग क्या करते हैं मैं जीतू तुम हारो, दूसरों को गला काटो, और इसके लिए उनकी सारी एनर्जी नेगेटिव जाती जाती है, खुद का नहीं भला होता दूसरा भला नहीं होता, पर जो दूसरा का भी भला करता है खुद का भी भला करता है, विन विन करने से हमें सफलता मिलेगी लॉन्ग रन में। शॉर्ट टर्म में विन और लॉस, सामने वाला लॉस करे मैं भी करूं, पर ज्यादा भी नहीं की गई, ज्यादा भी उससे पता नहीं की गई। सीख फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, कम्युनिकेशन पहले दूसरों को समझने का प्रयत्न करो, सिनर्जाइज मतलब जितने है उसको अच्छी तरह से पूरे फोर्सेस को सिनर्जाइज करो, मतलब मिलजुल के काम करो, शार्पनिंग द सॉ। बहुत अच्छी कहानी है कि कठियारा था, एक लकड़ हारा था, लकड़ हारा लकड़ी काट रहा था, अब लकड़ी बहुत टाइम से काट, तो उसकी जो करवट है जिसको करवट से जो काटता था वो करवट की जो धार है वो एकदम चली गई, एकदम पूरी चली गई धार, कितने तार रही, वो टाइम बहुत टाइम से काट रहा था, धार चली गई, वो भी थक गया है, पसीना आ रहा है, बहुत थक गया है। तो किसी भले आदमी ने कहा भाई इतना थक गया है और ये करवत भी तो बहुत ये हो गई है, ऐसा करना थोड़ा करवत को धार बना ले, उसकी धार तेज कर ले और थोड़े समय तक विश्राम कर ले, बाद में फिर से लकड़ी काटना। तो लकड़हारे ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, जो उत्तर हम लोग देते हैं ठीक वही उत्तर उसने दिया, हम लोग भी यही उत्तर देते। उसने क्या कहा, आपने कहा वो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु देखिए ना कितनी सारी लकड़ी काटने की बाकी है, मेरे को टाइम कहाँ है जो मैं विश्राम करूं और मैं इसकी धार बनाऊं। ये हम लोग बोलते हैं जब हमें कहा जाता है थोड़ा ध्यान करो, थोड़ी अच्छी किताबें पढ़ो, सत्संग करो, धार तेज कर लो अपने मन की और अपने बुद्धि की धार तेज कर लो, आध्यात्मिक बैटरी चार्ज कर लो, सत्संग में जाओ, ध्यान करो, प्रार्थना करो, थोड़ा थोड़ा आराम करो, इतनी एक्टिविटी कम रविवार को कम से कम आध्यात्मिक शर्मा, आपने बहुत अच्छी बात बताई पर टाइम कहाँ है। अरे भाई थोड़ा टाइम निकाल करके करवत की धार करोगे और थोड़ा विश्राम लोगे तो इससे डबल लकड़ी तुम्हारी कटेगी, देख करके तो देखो। टाइम नहीं, करवत की धार बनाने के लिए टाइम नहीं, इसीलिए सेकंड लॉ उसने कहा शार्पनिंग द सॉ, जिस बुद्धि के द्वारा हमें काम करना है उसका भी तो कुछ ख्याल रखो, उसको सतेज करो, जिस मन के द्वारा काम करना उस मन को सतेज करो, उसकी बैटरी रिचार्ज करो, स्पिरिचुअल बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है काम करते करते, उसको रिचार्ज करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, भजन करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक शिविर में आना पड़ेगा,
सत्संग करना पड़ेगा, तब तो झाग तेज होगी और तब डबल काम चलेगा, यह जो कार्य है और दुगना अच्छी तरह से हो जाएगा। तो ये सब इन लोगों ने मॉडर्न थिंकर की बात है। अब इन सभी की बातों को लेकर के, वेदांत की बातों को लेकर के, सभी प्रकार की बातें हमें जीव तीन प्रकार की सफलता चाहिए, परमानेंट सक्सेस, इटर्नल सक्सेस, शाश्वत सफलता चाहिए, दूसरा लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, दीर्घकालीन सफलता हर एक क्षेत्र में चाहिए, दैनिक जीवन में सफलता चाहिए और तत्कालीन सफलता चाहिए, तुरंत सफलता चाहिए। तीनों प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सिद्धांत हैं जिसको हम लोग याद रख सके, इसलिए मैंने उसको लिखा है सक्सेस। याद रख लो शब्द, सफलता को अंग्रेजी में कहते हैं सक्सेस, SUCCESS, इसको याद रखना है, बस सक्सेस शब्द को याद रखना है। सक्सेस शब्द को याद करने से हमें वो सक्सेस कैसे मिलेगी वो पता लग जाए। तो सक्सेस का पहला शब्द है, पहला वर्ड है S, S का मतलब है सेल्फ इंक्वायरी, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में हम हमारे जीवन की मंजिल क्या है, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों हम पृथ्वी पर आए हैं, ये सब सोचना सेल्फ इंक्वायरी, ये पहला, ये सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा यू अनसेल्फिशनेस, स्वामी विवेकानंद ने कहा अनसेल्फिशनेस इज मोर पेन, अनफॉर्चुनेटली पीपल डू नॉट हैव द पेशेंस टू प्रैक्टिस इट, अनसेल्फिशनेस इज मोर पेन इन द लॉन्ग रन, लंबी अवधि में, छोटी अवधि में नहीं, लंबी अवधि में निस्वार्थता बहुत अधिक फलदायी है, परंतु दुर्भाग्य यह है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी इस निस्वार्थता का अभ्यास करने की करने का धैर्य नहीं। अनसेल्फिशनेस इज मोर पेन इन द लॉन्ग रन बट अनफॉर्चुनेटली पीपल डू नॉट हैव द पैशन टू प्रैक्टिस, और ये निस्वार्थता यदि नहीं आई हमारे जीवन में, थोड़ी थोड़ी निस्वार्थता नहीं आई तो हमारे यहाँ कौशल में कोई अंतर नहीं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने उनके शिष्य थे मैसूर के महाराजा उनको पत्र में कहा माय डियर प्रिंस दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वैनिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, इन दिस शॉर्ट लाइफ दे अलोन लिव, हू लिव फॉर अदर्स द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। महाराजा ये जीवन क्षणभंगुर है, इस क्षणभंगुर जीवन में जो दूसरों के लिए जीता है वही सतपुर में जीता है, बाकी सब तो जीने के बदले मुर्दे के बराबर है। यह निस्वार्थता, सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, एमर्सन नाम के महान अफ्रीकन विज्ञान विद्वान ने कहा द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन ट्रेड, इन वॉर, इन एवरी मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, युद्ध, व्यापार, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य मन की एकाग्रता। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा यदि मुझे इफ आई हैव टू डू एजुकेशन ओवर अगेन, इफ आई हैव एनी चेंज इन द मैटर, आई विल नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट आई विल लर्न हाउ टू कंट्रोल माय माइंड, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट माय माइंड एंड देन आई कैन अचीव द फैक्ट्स एंड फिगर्स इन माय ओन विल। उन्होंने कहा इंफॉर्मेशन ये तो कभी भी मुझे कंप्यूटर से मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा, परंतु मुख्य बात है यदि मुझे फिर से यदि शिक्षा लेनी हो पहले मैं अपने मन को एकाग्र करना सीखूंगा, मन को नियंत्रित करना सीखूंगा, फिर यह इंफॉर्मेशन तो मैं किसी भी प्रकार से ले लूंगा। एक बार कॉन्सेंट्रेशन आने के बाद इतनी मन की एकाग्रता थी स्वामी विवेकानंद की, फिर भी वो अवश्य और भी एकाग्रता चाहते थे। कॉन्सेंट्रेशन इज द की टू सक्सेस इन एवरी मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, रफ्ती बनाना हो, ड्राइविंग करना हो, पढ़ना हो, पढ़ाना हो, व्यापार करना हो, युद्ध करना हो, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य मन की एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। एनादर सी कॉन्फिडेंस, स्वामी विवेकानंद ने कहा था द ओल्ड रिलीजन से हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, द न्यू रिलीजन से आई से ही इज एन एथिस्ट डज नॉट बिलीव इन सेल्फ। पहले अपने आप पर विश्वास रखो, जरूर कर सकोगे, आई कैन, मैं अवश्य कर सकूंगा, मैं अवश्य कर सकूंगी, इस प्रकार का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जितना कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मविश्वास होगा, उतना जीवन उतनी जीवन में सफलता मिलेगी। फिर ई, ईक्यू की बात मैंने कही, इमोशनल क्वोशेंट, एस, एसक्यू की बात मैंने कही, और लास्ट है एस, और एक एस है वो है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, पराई राज सदा निराश, दूसरों के भरोसे मत लो। स्वामी विवेकानंद ने कहा डोंट गो टू एस्ट्रोलॉजर, अरे भाई जरा देखते हो परीक्षा में पास होंगे, यदि देखते हो क्या बिजनेस में कब मेरे को लाभ होना शुरू करेगा, नहीं तो क्या भाग्य नाम की वस्तु नहीं, अवश्य है, परंतु भाग्य किसने बनाया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमारा जो कारक है उसका निर्माण हमारे पुरुषार्थ के द्वारा होता है,
हमारे वर्तमान का प्रारब्ध कर्म का सिद्धांत कहता है जैसा करोगे ऐसा पाओगे, जैसा कहोगे ऐसा तुम्हें प्राप्त होगा। आम का पेड़ लगाओगे आम मिलेगा, इमली का पेड़ लगाओगे इमली मिलेगी, खराब कर्म करोगे खराब कर्म मिलेंगे, खराब फल मिलेंगे, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। तो आज हमारे जीवन में जो कुछ मिल रहा है प्रारब्ध के नाम पर, ये सब हमारे भूतकाल के जो बीत गया है उसके पुरुषार्थ का फल है हमारा वर्तमान। इसका मतलब क्या होता है? हमारा भविष्य का प्रारब्ध हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ के द्वारा निर्मित होगा। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद सर ने कहा, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो, किसी के पास रखो, अथक परिश्रम करो, कठोर परिश्रम करो। क्या होता है हमारे जीवन में, कभी सफलता मिलेगी कभी असफलता मिलेगी हमारे प्रारब्ध के अनुसार, परंतु हम यदि प्रयत्न करते रहेंगे तो हमारा भविष्य हमारा स्वर्णमय होगा। इसलिए क्या सफलता मिलती क्या असफलता मिलती, महापुरुष कदाचन कर्म के फल के प्रति दृष्टि न रखते हुए हमारे भविष्य की ओर दृष्टि रखते हुए कठोर परिश्रम करो और किसी के भरोसे मत रहो, सेल्फ हेल्प। तो ये मैंने अत्यंत संक्षेप में तीन प्रकार की सफलता प्राप्त करने के उपाय बताए। समय हो गया है तो आज हम यहाँ पर हमारा ये जो सत्संग समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।